యూపీలో చరిత్ర సృష్టించబోతున్నామన్నారు కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. ఈసారి గతం కంటే ఎక్కువ సీట్లు గెలవబోతున్నామని చెప్పారు. లక్నోలో తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు రాజ్నాథ్. मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जितनी कामयाबी हासिल हुई थी कब ओवेस इस बार के चुनाव में भी उतनी ही संख्या में हमको कामयाबी हासिल होगी. लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है. लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की मतदान के प्रति जागरूकता बढ़े, अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें. यह मैं आम लोगों से अपील. आपने देखा होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन था, जबकि उस समय बहुत ही सशक्त गठबंधन माना जाता था, तो उस समय भी ऐसे ही दावे किए जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल. चौथे चरण का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में कितना सीटें हासिल कर रही है? मैं बता रहा हूँ, कमोवेश एक सीट दो सीट आगे पीछे हो सकती है, उतनी ही सीटों पर प्राप्त होगी जितनी सीटों पर 2017 के चुनाव में भारत